Whenever you think of India Pakistan clashes, this is the one face that comes to your mind. And ahead of the Sunday blockbuster, where India take on Pakistan in Dubai in the Asia Cup, we have with us somebody special in the studios of Z. Yes, he's somebody really special. He is the man himself. Moka, 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 moka. I'm sure you figured out who he is. He's is Vishal Malhotra himself in the studios in Film City right now, and we are going to speak with him in a fun segment today ahead of the big clash. So, Vishal, uh, I just wanted to find out from where did this start, this entire journey of yours. Okay, you mean the Mokka valina? Right, right. No, 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 not that. <laughs> so the thing is that uh, it started in 2015. आई केम टू मुंबई इन टू थाउजेंड ट्वेल्व एज एन एक्टर ड्रीम ले के और वी स्टार्टेड फॉर द ऑडिशन एंड एवरी थिंग और टू थाउजेंड फिफ्टीन फेब्रवरी में वन ऑफ द एड जैसे नॉर्मल होता है गॉड क्लिक्ट आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर पार्ट और दो तीन उसमें लुकल लाइक्स और अलग अलग टाइम लाइन उसमें वी प्लेट फाइव टाइम लाइन्स एक्चुअली वी प्लेड क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट अभी पाकिस्तान नेवर वन सिंस नाइनटीन नाइनटी वन तो इट वॉज़ लाइक डिफरेंट टाइम लाइन्स वी दिस कैरेक्टर पोट्रेट एट दैट टाइम जब एक 91 में वो एक कॉलेज का टीन टाइप दिखाया right. फिर उसका चार चार साल बाद वाई फोर ईयर्स गया क्योंकि वर्ल्ड कप वहां कितने साल बाद होता है फोर ईयर्स बाद तो फिर उसके बाद अगला आया अगला आया अगला अगला करते करते मिड एज हो गया और ऐसी जर्नी दिखाई की टू थाउजेंड इलेवन तक पाकिस्तान नेवर वन अगेंस्ट इंडिया एंड दिस गाइड लाइक literally frustrated और इरीटेट मतलब क्या हो रहा है वो हिम्मत ही छोड़ चुका था तभी पूरे एड में बस जो फर्स्ट वाला था ये फिर रिमेबर एक ही लाइन बोली कब भोड़ गया यार <laughs> वो बस एक लाइन उसने यही बोली है बस नथिंग एल्स क्योंकि ही इज डन विद इट। तो द आइडिया वॉज क्रिएटिवली वेरी वेल डन रिटन एंड वेन आई ऑडिशन फॉर इट ये पूरा जो हमने एक मैच से पहले जो आपने एड देखा है दिस पूरा वी ऑडिशन फॉर ए टू जेड वो पूरा ऑडिशन स्क्रिप्ट ही, ही थी पूरा एड ही हमने ऑडिशन करा हुआ था अगर वही प्ले कर दोगे तो वही बस करा हमने तो कुछ फनी ट्रोल्स जो आपको भी हंसाता है आपको कुछ अभी याद आ रहा है हाँ ये यही एक तो सबसे पहला था ओ एल एक्स पे बेच दे पटाखे का फोड़ो मतलब यही कि सामने वाला इज लाइक उतना ही आपने बनाया अगर तो आप इक्वली उतने ही इन्वॉल्व हो उसको लाइव में लाने के लिए कि मेरी उसमें घुस गए हो कि बता रहे हो कि उसकी लेनी है मारनी है क्या करना है तो तब मजा आता है कि दोनों आर लाइक बराबर ही यू नो दे आर लाइक टोटली विद दैट थिंग अब ट्रोल्स की बात अलग थी अब आ, कुछ ट्रोल्स नेगेटिव भी थे कुछ ट्रोल ऐसे बने जो वे वर लाइक वर्क मोर वर लाइक एज पोल्स आई वुड से लाइक लास्ट ईयर ओनली एग्जाम्पल बताता हूँ वो मैं दूंगा भी आपको लगाना पॉप में आ, 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 जैसे वो आते हैं ना जैसे मीम बनते हैं कि ये हुँ. पबजी वाला जैसे आता है कुछ आता है कि ये गुड होता है ये लेजेंड्स लेजेंड्स डू दिस ये वगैरह ऐसी ओपी डू दिस तो यही था क्रिकेट हर कोई खेलता है लड़का ये करता वो करता वो करता है लेजेंड्स और कब फोड़े गए यार <laughs> तो ऐसे ऐसे करते करते नाइस वंस लिटरली नाइस वंस और ये अभी तक आता ही है कभी भी कोई हो कुछ हो अभी भी जैसे दो चार अभी रिसेंटली आई गॉट

तो फैन पेज वगैरह तो जब बन जाते हैं और उनको पता हक भी है बिल्कुल कनेक्टेड राइट कोई प्लान है मौका मौका तो जैसे पिछले साल पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तो वो वर्ल्ड कप वाला जो नहीं, था नहीं, नहीं। हराया नहीं है टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में बस एक क्वालिफायर मैच था उसमें इंडिया नहीं जीत पाई

तो मौका ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफिशियली कुछ खत्म या चला गया या कुछ ऐसा so, नहीं है इट वाज जस्ट प्लानिंग समथिंग आई डोंट नो बड़े लोग हैं वो बड़े जब पता चलेगा पता चलेगा फुल ऑफ सरप्राइजेस रहता है हैव टी20 टू कम इंडियन क्रिकेटर से, से मिला था मैं बताता हूं तो इंडियन फ्रॉम डे 1 ओनली व्हेन वी स्टार्टेड इट पहले ऐड के बाद नॉट डे 1 क्योंकि उसके बाद ही जब करते करते हमारी जर्नी शुरू हुई एज अ कैंपेन हमने बनाना शुरू किया आई एंटर्ड स्टार स्पोर्ट्स स्टूडियो और प्लेयर्स के साथ कनेक्शन इंटरेक्शन ये वो तो लाइक क्रिकेटर्स वगैरह के साथ हमने काफ़ी वन ऑन वन न्यूज़ चैनल ये वगैरह वो सब कराई है तो दे नो इट वेरी वेल अभी माई भाई के साथ धोनी सर के साथ अभी पीछे ही थोड़े महीने पहले मैंने एक ऐड करा था सीमेंट का साथ में तो ही देर तो लिटरली ही लिटरली मतलब हॉर्सेज माउथ की बात बता रहा हूँ मैं उन्होंने मतलब मैंने कहा और तो ये उस ऐड के बाद की बात है अभी शायद दुबई वाले की ये अक्टूबर के बाद तो वी वर डूइंग डिसम्बर की बात है सीमेंट का एक ऐड कर रहे थे हम मुंबई में ही

या इवन फॉर दैट मैटर वन ऑन वन में मैं मिक्का बाजी के साथ था या इतने लोगों के साथ हमने बातचीत करी सब है तो हमेशा एक चीज़ मैंने देखी जितने भी हम सेलेब या पर्टिकुलर विद रिलेटेड विद द स्पोर्ट या अब या रिटायर्ड वाले हैं चाहे वो फिर हमारे कमेंटेटर आकाश चोपड़ा जी हैं या हर्षा बोगले सर हैं या जतिन सप्रू हो गए तो वी गाइज आर लाइक वेरी मच बार बार मिलते ही रहते हैं तो सब ना इवन शोएब सर हो गए अब इन लोगों का अच्छी चीज़ क्या है कि ये सब लोग सब लोग चाहे बॉर्डर है या अकर द बॉर्डर है दे टेक इट वेरी पॉजिटिवली इनकी तरफ से कभी कुछ वैसा नहीं आता वो तो देखो एक हवा इधर उधर फैलाई जाती है वो तो आप और मैं ही फैलाते हैं सीधी सी बात है लेकिन आप बड़ा पॉजिटिवली एक अच्छे उसमें ही लिया जाता है एंड आई स्टिल रिमेंबर शोएब अख्तर जी के साथ जब हम थे और कर रहे थे और ये सब

ऐसी बात नहीं है जब सब चलेगा। कुछ तो करें भैया ये अच्छी तैयारी में है। वो बॉर्डर हो ये बॉर्डर हो सभी अपनी अच्छी तैयारी में बाकी तो देखो ऐतिहासिक चीज ही रहती है ये ये तो मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच हमेशा दो चार चीजें मैंने नोट करी वो भी दो हजार पंद्रह से ही शुरू किया नोट करना एक हमेशा संडे को ही आता है ज्यादा लोग देख पाएंगे मैच सबको चाहिए क्योंकि नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करनी पड़ जाएगी नहीं लगभग करनी पड़ जाएगी नहीं तो इसीलिए दैट इज द थिंग तो अब वो बैठ के देखेंगे बाकी हाँ इंडिया लेके जाएगी भैया ऐसी क्या बात है टॉप वर्ल्ड टॉप टीम में जो पकड़ चुकी है अपना होल्ड ऐसे थोड़ी खत्म होता है बनाया सो एज यू हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ It's going to be India who has the edge over Pakistan. Now, let's see what happens on Sunday. Uh, we're all waiting and looking forward to that blockbuster on Sunday. I'm sure you too are. You're going to find the biggest build-up here on India.com and Cricket Countries. So, stay tuned to this space. Thank you so much for joining us in this session. Thank you, guys. Thank you. Moka, moka. Moka, moka.